हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रेडिट ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यहां पर सेक्शन प्लेन। तो बेसिकली सेक्शन प्लेन का यूज़ क्या है दोस्तों। सेक्शन प्लेन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को अगर कट करते हैं, बीच में से स्लाइस करते हैं उसको, जो स्लाइस किया हुआ पार्ट है अगर उसको हमें रिप्रेजेंट करना है 2D ड्राइंग में या 3D ड्राइंग में, तो हम सेक्शन प्लेन का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सेक्शन प्लेन समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल डाउनलोड किया हुआ दोस्तों, ताकि आपको इजीली ये सेक्शन प्लेन समझा सकूँ पहले। तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये 3D ऑब्जेक्ट था, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि इसको बीच में से स्लाइस कर दिया। तो स्लाइस करने के बाद जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर हैच पैटर्न अप्लाई किया हुआ है, तो ये हमारा सेक्शन प्लेन है। यहाँ पर जैसे नाम दिया हुआ इसको कटिंग प्लेन। जैसे आप राइट साइड में देख रहे होगे यहाँ पर इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे यहाँ पर तो लिखा हुआ है सेक्शन BB, यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे इस ड्राइंग के अंदर, ये हमारा टॉप व्यू है इस ड्राइंग का, और यहाँ पर जो लाइन है कटिंग प्लेन लाइन, ये B2B है, जो कि सेक्शन BB को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ये एरो की डायरेक्शन है कि हमें किस तरफ सेक्शन का फेस शो करना है। तो जैसे इस एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड के फेस को रिप्रेजेंट करेगी एज ए सेक्शन प्लेन। ओके, अगर हम इस एरो की डायरेक्शन इस तरफ रखते हैं राइट साइड में, जो ये पार्ट है इसका जो फेस है यहाँ पर सेक्शन फेस, ये उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन लाइन है कि हम सेक्शन कैसे ले रहे हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि हम इसको कैसे ड्रा करते हैं। तो आज सेक्शन प्लेन हम इसी के ऊपर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेक्शन प्लेन की कमांड सेलेक्ट करता हूँ। तो सेक्शन प्लेन की कमांड सेलेक्ट करते हुए हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट फेस और एनी पॉइंट टू लोकेट सेक्शन लाइन। ये हमसे पूछ रहा है कि जहाँ से आपको इस ऑब्जेक्ट का सेक्शन करना है, उसके लिए या तो आप फेस सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये फेस है तो ये यहाँ इसका सेक्शन कर देगा। और सेकेंड, यहाँ पर आप देख रहे होगे नीचे की तरफ इसमें तीन ऑप्शन और दे रखे हैं, ड्रा सेक्शन, ऑर्थोग्राफिक, टाइप। ये सब सेटिंग अभी हम सीखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक लेता हूँ, और फिर ऑर्थोग्राफिक लेने के बाद यहाँ पर अलाइन सेक्शन टू फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दिखा रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर फ्रंट सेक्शन करता हूँ, तो आप देख रहे होगे इसने इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट सेक्शन क्रिएट कर दिया है। अब मैं इस सेक्शन प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो ये सेक्शन प्लेन है, और ये हमारा हाफ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर हमें फुल ऑब्जेक्ट अगर व्यू करना है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो लाइव सेक्शन। लाइव सेक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रीव्यू करना कि हमारा सेक्शन कैसा दिखाई देगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पर लाइव सेक्शन हटा देता हूँ तो ये फुल ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और दोबारा करता हूँ तो ये हाफ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अभी सिंपली सबसे पहले मैं एक सेक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ कि हम क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद इसके सभी ऑप्शन मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये हाफ सेक्शन ले लिया इसका, अभी इसको अगर 2D में या 3D में जनरेट करना है तो वो कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जनरेट सेक्शन ब्लॉक का ऑप्शन है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट सेक्शन प्लेन, कि जैसे हमें जो सेक्शन प्लेन के थ्रू हमें सेक्शन व्यू क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, और फिर ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट सेक्शन ऑब्जेक्ट। तो सेक्शन ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर क्या करते हैं दोस्तों, क्रिएट। ओके, यहाँ पर स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट दिखा रहा है दोस्तों। इंसर्शन पॉइंट यानी कि जहाँ पे हमें इस ऑब्जेक्ट का जो ये सेक्शन व्यू है, ये जहाँ पर शो करना है, जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। ओके, फिर ये हमसे स्केल फैक्टर पूछेगा, तो यहाँ पर मैं ये 1 एंटर कर देता हूँ। फिर ये हमसे पूछेगा वाई स्केल फैक्टर, तो ये भी मैं डिफ़ॉल्ट एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद रोटेशन एंगल भी मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखता हूँ 0 एंटर। ओके, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये 2D सेक्शन इसका जनरेट हो गया। अभी जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब आप यहाँ पर देख रहे होगे ये सॉलिड दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अगर हमें जो ये सॉलिड पैटर्न है इसका अगर चेंज करना है, वो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें एक्सप्लोड की कमांड लगानी है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक्स एंटर करेंगे, तो फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। अब जैसे जो सॉलिड एरिया दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पर सिंगल क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ये हैच एडिटर ओपन कर देगा ऊपर। तो अब जैसे जो भी पैटर्न आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर, वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके,
और आपको इन लाइनों को अगर चेंज करना है तो आप इन लाइनों को भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको इनको हिडन लाइन में कन्वर्ट करना है तो इनको सेलेक्ट करके डायरेक्ट हिडन लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट में पीछे की तरफ है, फ्रंट फेस पे नहीं है, तो इसलिए इनको हम हिडन लाइन में शो करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम ये 2D सेक्शन व्यू क्रिएट करते हैं इसका सिंपल। और 3D सेक्शन क्रिएट करना है तो सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, प्रोसीजर सेम वही है, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम राइट क्लिक भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, तो जैसे यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ जनरेट सेक्शन, यहाँ पर 2D 3D ब्लॉक्स, और यहाँ पर हम 3D सेक्शन अगर लेंगे तो ये हमारा 3D सेक्शन प्लेन क्रिएट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर ये स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट ये देता हूँ, फिर ये स्केल पूछेगा तो 1 डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, ये भी डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, रोटेशन एंगल भी मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। तो ये हमारा सेक्शन क्रिएट कर दिया दोस्तों इसने। ओरिजिनल हमारा एज इट इज़ है, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, लाइव करता हूँ, तो ये हमारा ओरिजिनल एज इट इज़ है। और इस सेक्शन प्लेन को और डिलीट करना तो यहाँ से हम अरेज भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेक्शन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हम ये 2D और 3D में सेक्शन व्यू क्रिएट करते हैं। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है। तो चलिए अब सीखते हैं हम बाकी ऑप्शन जो हमारे इसके अंदर है। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इस सेक्शन प्लेन को डिलीट कर देते हैं यहाँ पर, और अब दोबारा सेक्शन प्लेन लेते हैं जैसे हमने पिछले वाले ऑप्शन में ऑर्थोग्राफिक के थ्रू किया। तो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है उसमें क्या पूछता है ये कि या तो हम फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये फेस सेलेक्ट कर लूँ मैं तो यहाँ पर ये सेक्शन क्रिएट कर देगा। अब जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और अगर इसको नीचे की तरफ अगर मूव करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग ऑफ कर देता हूँ ताकि ये इजीली मूव हो उसके। तो जैसे मुझे यहाँ तक चाहिए तो ये यहाँ तक इसका सेक्शन क्रिएट कर देगा। ओके, फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा कंट्रोल जेड, अब दोबारा सेक्शन प्लेन लेता हूँ। तो ये तो था फेस के थ्रू, जैसे यहाँ पर ये फेस सेलेक्ट करता हूँ तो डायरेक्शन सेक्शन प्लेन क्रिएट कर देगा, यानी कि जो डायरेक्शन हमें चाहिए कंट्रोल जेड उस डायरेक्शन में हम सेक्शन प्लेन एक पॉइंट। अब जैसे नेक्स्ट क्या देखा है इसमें, एनी पॉइंट टू लोकेट सेक्शन लाइन, यानी कि दो पॉइंटों के थ्रू भी हम सेक्शन प्लेन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ और सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, तो इसने यहाँ पर ये सेक्शन क्रिएट कर दिया। फिर दोबारा मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था दोस्तों, सेक्शन प्लेन के अंदर यहाँ पर ये ड्रा सेक्शन, तो इसके अंदर हम कैसे यूज करते हैं दोस्तों, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ये दे देता हूँ, उसके बाद ये हमसे पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ, और फिर ये कमांड कंटिन्यू रहती है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर ये नेक्स्ट पॉइंट देता हूँ और फिर राइट क्लिक करूँगा तो ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ सेक्शन व्यू, कि एक पॉइंट हमें डिफाइन करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे होगे इसने इस तरफ का सेक्शन एज इट इज रखा है और दूसरी साइड वाला रिमूव कर दिया, तो इसने सेक्शन यहाँ से क्रिएट किया है। इस तरह से हम ये ड्रा सेक्शन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों इसके अंदर, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, अब सेक्शन प्लेन करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक के अंदर जैसे फ्रंट मैंने पहले समझाया था, अब जैसे मैं यहाँ पर टॉप करता हूँ तो ये टॉप से सेक्शन कर देगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा सेक्शन प्लेन लेता हूँ, ऑर्थोग्राफिक दोबारा लेता हूँ, और मैं यहाँ पर लेफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड से सेक्शन कर देगा इसका। और फिर यहाँ पर जैसे दोबारा सेक्शन प्लेन लेता हूँ तो उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे टाइप, टाइप के अंदर प्लेन, स्लाइस, बाउंड्री, वॉल्यूम, चार टाइप है इसकी। तो ये कैसे यूज़ होती है दोस्तों वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं सेक्शन प्लेन लेता हूँ, ऑर्थोग्राफिक यहाँ पर मैं फ्रंट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे होगे यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आए हुए हैं, जैसे एक यहाँ पर ये डाउन एरो है, जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इस सेक्शन प्लेन को हम नीचे की तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देख रहे होगे ये हमारा प्लेन सेक्शन है, तो इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर है, ये है इस सेक्शन व्यू को चेंज करने का। अब जैसे ये सेक्शन इस तरफ फ्रंट की साइड ले रखा है और मुझे दूसरी साइड अगर सेक्शन चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये दूसरी साइड सेक्शन क्रिएट कर देगा। ओके, और दोबारा अगर उसको क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर तो ये इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ये हमारा सेक्शन प्लेन को मूव करने का। अब जैसे मान लिया इसको थोड़ा इधर की तरफ अगर करना है, जैसे मैं दोबारा करता हूँ यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, हल्का सा लेता हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर रखा है, इसको ऑफ कर लेंगे
तो ये आराम से मूव हो जाएगा। ऑर्थो जब ऑन रहता है तो ये ऑटोमेटिकली स्नैप ले लेता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी जगह दिक्कत होती है। अब जैसे मैंने इसको इस तरफ किया तो आप देख रहे हो इसने यहाँ पर जो हमारा पोर्शन विजिबल नहीं था, कटा हुआ था, उसने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो डाउन एरो, हम यहाँ से भी प्लेन स्लाइस बाउंड्री वॉल्यूम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से भी इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले था ये प्लेन, अब सेकंड ऑप्शन है दोस्तों स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको थीन कट कर देता है, यानी एक मोटाई में उसका एक पार्ट कट कर सकता है ये। ओके, उसका सेक्शन क्रिएट कर देगा। और आपको इसकी मोटाई अगर बढ़ानी है तो आप वो कैसे कर सकते हो, एक ऑप्शन तो यहाँ पे भी है कि यहाँ से भी बढ़ा सकते हो इस एरो से, और उधर की तरफ अगर बढ़ानी है तो उधर से भी। सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये है, ये हमारा स्लाइस थिकनेस इंक्रीज करने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ और फिर यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर इसने इसकी थिकनेस इंक्रीज कर दी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर बाउंड्री। बाउंड्री क्या करती है दोस्तों, अब इसके थ्रू हम इसको थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं इधर की तरफ भी, यहाँ पर इनके जो पॉइंट दे रखे हैं इनसे हम इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे भी हमें सेक्शन क्रिएट करना है वैसे हम कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वापस ही मैं ले लेता हूँ इसको यहाँ पर, तो इस तरह से हम कोई भी सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन वॉल्यूम का है, वॉल्यूम में हम इसके हाइट का सेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये है, इसको सिलेक्ट करता हूँ नीचे की तरफ करता हूँ तो ये यहाँ पर ये सेक्शन क्रिएट कर देगा। ओके, तो हम ज़्यादातर नॉर्मली यूज़ करते हैं प्लेन का, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारी चारों टाइप होगी दोस्तों, प्लेन, स्लाइस, बाउंड्री, वॉल्यूम। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों एड जॉग। एड जॉग का क्या काम है, यहाँ पर ये सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई ए पॉइंट ऑन दिस सेक्शन लाइन टू एड जॉग। जैसे मैं यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एक प्लस का आइकन आ रहा है, जैसे यहाँ पर, और साइड में लेके जाता हूँ तो ये प्लस का आइकन नहीं आता। तो ये छोटा सा जो आइकन है दोस्तों, ये जहाँ पर आएगा तो यानी कि उस पॉइंट पे ये एड जॉग हो सकता है। अब जैसे दोबारा ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग ऑन कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे इसको इसमें जॉग एंटर कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर एड जॉग यहाँ पर करता हूँ तो आप देख रहे होगे इसने यहाँ पर ये जॉग क्रिएट कर दिया। तो अब जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ इधर की तरफ। ओके, तो ये हमारा इस तरह से जॉग अप्लाई हो गया। अब जैसे दोबारा एक और जॉग अगर अप्लाई करना है तो अब जैसे दोबारा ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर इस पॉइंट से मूव कर सकता हूँ इधर की तरफ। ओके, तो हम इस तरह से ये सेक्शन प्लेन भी क्रिएट कर सकते हैं जॉग के थ्रू। तो अब जैसे मैं यहाँ पर इसका जो सेक्शन प्लेन है ये क्रिएट करता हूँ 3D में, तो यहाँ पर 3D सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और फिर क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर 1 एंटर एंटर और फिर एंटर। तो यहाँ पर ये देख रहे होगे आप, ये जो सेक्शन क्रिएट हुआ है ये जैसे मैंने ऐड जॉग किया था उस हिसाब से यहाँ पर ये सेक्शन क्रिएट कर दिया इसने 3D में। ओके, अब जो लास्ट ऑप्शन बचता है दोस्तों वो क्या है, जैसे मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, जैसे अगर हमें इसको रोटेट करना है सेक्शन प्लेन को, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा, तो हम 90 डिग्री के एंगल में इसको रोटेट कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ जेनरेट में, तो अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, डेस्टिनेशन, इंसर्ट एज ए न्यू ब्लॉक, इंसर्ट एज ए न्यू ब्लॉक यानी कि जो मैंने सेक्शन क्रिएट किया था इसका ब्लॉक क्रिएट हुआ वो अलग से क्रिएट होगा। अगर जैसे मैंने अभी बनाया हुआ था और उसकी जगह कोई नया ब्लॉक क्रिएट करना है वो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, और एक्सपोर्ट करना उस फाइल को तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन सेटिंग होती है दोस्तों, आप यहाँ पर पीछे की तरफ देख रहे होगे, यहाँ पर जो ये लाइनें हैं ये कैसी विजिबल हो, अगर इंटरसेक्शन बाउंड्री चेंज करनी है तो यहाँ से हम बाई लेयर में इसकी मोटाई वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, या इसकी लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से डैश सेंटर, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, इनके जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी कि हम इनका कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। ओके, यहाँ पर 2D सेक्शन के लिए भी अलग सेटिंग सेट कर सकते हैं, 3D के लिए भी ये सेटिंग सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं ये कैंसिल कर देता हूँ, और बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाए सेटिंग में तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर ये कैंसिल करता हूँ। तो इस तरह से हम ये सेक्शन प्लेन यूज़ करते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों।
एंड दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा, बाय बाय।